नमस्कार, इंडिया टाइप न्यूज में आपका स्वागत है। किसान नौजवान पटेल यात्रा में गरजे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम। जालौन कोच की ग्राम रवा में किसान नौजवान पटेल यात्रा का काफिला डीपीएन पब्लिक स्कूल रवा में पहुंचा, जहां प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत कर चांदी का मुकुट एवं 51 किलो फूल की माला पहनाई गई। सभा की अध्यक्षता झांसी ललितपुर जालौन विधान परिषद सदस्य श्रीमती रमा निरंजन ने की। प्रतिनिधि डॉक्टर आरपी निरंजन ने अपने संबोधन में कहा है कि जालौन जिले की तीनों सीटें पर समाजवादी पार्टी की जीत हो, इसके लिए अध्ययन करने की जरूरत है। पार्टी हित के लिए हमने विधानसभा चुनाव लिए 3 बार टिकट कटवा चुका हूं। यह मंच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के लिए सजाए। हम पार्टी से बंधे हैं, उन्होंने अपनी राजनीतिक पीड़ा प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष रखी है। कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए विनोद चतुर्वेदी ने कहा कि हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो कभी सच नहीं बोलते हैं, आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। आज सरकार में मंत्री हैं जिन्होंने गांव गोद लिए हैं, उन गांव की दशा देखिए और एमएलसी के गांव की दशा देखिए, भाजपा की कथनी और करने में बहुत अंतर है। दीप नारायण यादव ने कहा है कि आने वाला समय बड़ा महत्वपूर्ण है, जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं होगा। किसानों के आंदोलन में 650 लगभग किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हो चुकी है। खेत खलिहान बचाओ, रोजगार दो, ये किसान नौजवान पटेल यात्रा, किसानों की बदहाली, नौजवानों की परेशानी को लेकर ये किसान नौजवान पटेल यात्रा इस देश के अखंड भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरणा लेकर ये हमने यात्रा निकाली। ये आज़ादी को दिलाने में हमारे देश के किसानों का सबसे बड़ा योगदान था। हमारे देश के किसानों को सरदार वल्लभ भाई पटेल लामबंद किया, इकट्ठा किया और महात्मा गांधी के आंदोलन में शिरकत किया। किसानों ने इस देश की आज़ादी दिलाई, लेकिन भारत की 75 साल की आज़ादी में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को तबाह कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया। 75 साल में किसानों की माली हालत खराब हो गई, किसानों से वादे किए जाते हैं लेकिन झूठे निकलते हैं। भाजपा ने 2014 के पहले ये कहा था कि हम किसानों की फसलों का लागत से जोड़ा देंगे, किसानों की लाभकारी मूल्य देंगे, किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके उनकी फसलों का सही मूल्य देंगे। लेकिन 8 वर्ष बीत रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को ठग लिया, बर्बाद कर दिया और किसानों की समस्याओं पर झूठ बोलते हैं कि हम किसानों के लिए दुगुना आय का इंतजाम कर रहे हैं। महंगाई 90 दिन के अंदर कम करने की बात मोदी जी ने कही थी, आज महंगाई आसमान में है। 43 रुपये वाला डीजल 90 रुपया, 61 रुपये वाला पेट्रोल 160 रुपया, 350 रुपये वाला रसोई गैस का सिलेंडर 950 का, हाथ की बोली 2 गुना, पढ़ाई का दाम, दवाई का दाम, बिजली का दाम, सिंचाई का दाम बढ़ा करके किसानों की लागत बढ़ा दिया। लेकिन किसानों को जो भारत सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले बरस न्यूनतम समर्थन मूल्य, कम से कम मूल्य, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की बात कही थी, 1975 रुपये क्विंटल गेहूं का और 1865 रुपये क्विंटल धान का देंगे। पिछले दिनों जो धान और गेहूँ की खरीद हुई, उस खरीद में सिर्फ 8% किसानों का धान गेहूँ खरीदा गया और वो भी बिचौलियों के माध्यम से खरीदा गया। 90-92% किसानों का धान नहीं लिया गया, गेहूँ नहीं लिया गया। किसान अपना धान औने पौने दाम पर बेचने पर मजबूर हुआ, 11-12 रुपये पर धान बेचा और गेहूँ 13-14 रुपये क्विंटल बेचा, उसका लागत मूल्य नहीं आ रहा है। और बीजेपी के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एक दूसरे की तारीफ कर लेते हैं लेकिन किसानों के सवाल को टाल देते हैं। जब सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।